हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी फ़ोन है तो रियलमी फ़ोन की सेटिंग्स से जाकर जो हमारे फ़ोन में वाईफाई नेटवर्क है तो वाईफाई नेटवर्क को आप कैसे कैसे आप अपनी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कनेक्ट कर सकते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन ही आएंगे, जहाँ से आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में वाईफाई नेटवर्क है तो वाईफाई नेटवर्क को आप कैसे कैसे आप अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके। सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना है वाईफाई, तो हमने सर्च करा वाईफाई, तुम्हारी सेटिंग आ जाएगी यहाँ पर वाईफाई की। तो यहाँ पर आ गई, इसको ओपन कर लेंगे, जहाँ से आप वाईफाई क्यूआर कोड स्कैन की मदद से किसी भी अदर फोन का क्यूआर कोड इस तरीके से स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट वगैरह चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप वाईफाई नेटवर्क को क्यूआर कोड स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी अदर अपने फ़ोन में और इंटरनेट चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में सर आपको ऑप्शन नहीं मिलता तो सिंपल सेटिंग्स पर जाएंगे। सेटिंग्स पर जाते ही हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा वाईफाई का। जैसे वाईफाई सेटिंग को ओपन करते हैं तो हमारे पास से वाईफाई सेटिंग ओपन ही आती है। तो स्कैनर पर जाके आप किसी भी अदर्स क्यूआर कोड को मतलब स्कैन करके आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन में और वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप इंटरनेट या यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं और साथ में डिवाइस चला सकते हैं, टॉर्च जलाना चाहते चला सकते हैं। इस तरीके से हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से आप वाईफाई नेटवर्क को क्यूआर कोड की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं क्यूआर कोड स्कैन की मदद से। तो आपको वीडियो शेयर कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।